नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई में एडमिशन लेना है आपको तो कैसे आप प्रवेश करने के लिए फॉर्म भरेंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि फॉर्म को भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में कुछ बेहद ख़ास इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही अपडेट नोटिफिकेशन वीडियो आपको पाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम एक वेबसाइट पर जो कि आईटीआई का पोर्टल है इस पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ से थ्री डॉट को क्लिक करके हमने डेस्कटॉप मोड ऑन कर लिया है। आप भी कुछ इस तरीके से कर लें और मैं इस वेबसाइट के लिंक को डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक मिलता है लॉगिन, दूसरा न्यू रजिस्ट्रेशन, तीसरा फॉरगेट पासवर्ड। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि आप पहली बार रजिस्टर हो रहे हैं, और यदि आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन पर जाना है, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाना है। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डिटेल होता है दिखेगा। आपको अपना नाम लिखना है जो कि बेहद ज़रूरी है, एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कि चालू होना चाहिए, पासवर्ड आप अपने से बना सकते हैं और उसी पासवर्ड को डबल लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो कैप्चा है उसको यहाँ पर भरना है, और उसके बाद आपको यहाँ टिक करना है कि मैंने पंजीयन के पूर्व रिक्त सीट की जानकारी सुनिश्चित कर ली है। एक्चुअल में ये मैं बताता हूँ अभी, इसके बाद हम गेट ओटीपी करेंगे। ये प्रोसेस हम अभी तुरंत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बेहद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्लिक हेयर टू व्यू वैकेंट सीट, अर्थात आपको कौन से आईटीआई में कितना सीट कौन से कोर्स के लिए है इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। तो आप इसे टच कर लीजिए। टच करेंगे तो एक पीडीएफ जो होगा वो डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद देखिए यहाँ पर बताया है डाउनलोड होगा, फिर ये मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डायरेक्टली एक पीडीएफ। इस पीडीएफ में देख सकते हैं आपको यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम प्रेम नगर गवर्नमेंट आईटीआई है। फीटर में यहाँ पर एनसीवीटी में 20 सीट है और एससीवीटी में 0 सीट है। तो इस तरीके से आप अपने ज़िले का, जैसे गवर्नमेंट आईटीआई माना का, तो इस टाइप से आप इसको डिटेल देख लीजिए, और देख लेने के बाद सुनिश्चित कर लीजिए कि कहाँ आपको एडमिशन लेना है। देन उसके बाद फिर आप ये फिर कंप्लीट रूप से भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल अपना डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम गेट ओटीपी करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी पूरा डिटेल भर लिया है और पंजीयन के पूर्व रिक्त सीट की जानकारी सुनिश्चित कर लेने वाला भी पॉइंट टच कर लिया है। अब हम गेट ओटीपी पे टच करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी पे टच करेंगे यहाँ पर देखिए ओटीपी का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ओटीपी आ गया, देखिए 9243। अब यहाँ पर हम इसको डाल देंगे और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कुछ इन्फॉर्मेशन कि खाता आपका सफलतापूर्वक बना लिया गया है, लॉगिन करें और अपना प्रोफाइल भरें और भुगतान करें। तो यहाँ पर से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम लॉगिन के ऑप्शन पर आ चुके हैं ऑलरेडी। कैसे पता चला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जो है वो चेंज हो गया है, अब हम लॉगिन पे हैं। जब यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में रहते तो ये भी एक डार्क पर्पल कलर हो जाता। तो देखिए मोबाइल नंबर आपने जो डाला है वो डाल लीजिए, उसके बाद पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया है वो, और कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट करना है। चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। सबमिट जैसे ही किया हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नया पेज ओपन हो गया है जिसमें कुछ कुछ बता रहे हैं कि चयन सूची में सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल श्रेणी है, आवेदक की सीट आवंटित की जाएगी, तत्पश्चात शेष सीट पर वर्टिकल में होगा। ठीक है, पीवीटीजी वाले को सब 2% सीट आरक्षित है, प्रत्येक संस्था में अनाथ के लिए है अलग, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है, ये सब डिटेल है। अच्छा,
अब यहाँ पर मेन डिटेल यहाँ पर यह होता है कि यदि किसी आवेदक को प्रथम विकल्प प्राप्त होता है तो उस आवेदक का नाम प्रस्तावर्ती प्रवेश की प्रावीण्य सूची में शामिल नहीं होगा, चाहे आवेदक उस सीट पर प्रवेश ले या ना ले। समझ रहे हैं, आपका एक बार लिस्ट रेडी हुआ है, इसमें आप हाईएस्ट नंबर पर पहले नंबर पर आ गए हैं, तो दूसरे वाले में भी अगर आप पहले नंबर पर आ रहे होंगे तो नहीं आएंगे, इसी में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिन आवेदकों को पहला विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है उसे उच्च विकल्प हेतु एक और अवसर, यानी कि टोटल आपको दो अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसी आवेदक को दूसरे अवसर में वही ITI व ट्रेड व्यवसाय सीट आवंटित होता है तो आवेदक का नाम चयन सूची में नहीं आएगा जब तक उसे उच्च विकल्प प्राप्त न हो। तो दोस्तों ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लें और आई एक्सेप्ट को क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर डिटेल आ जाता है। चलिए, टेंथ बेस पे होता है तो टेंथ बेस के लिए यहाँ पर जो है डिटेल पूछता है, जैसे आप कौन से बोर्ड से हैं, आप कौन से साल में जो है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं। आप यहाँ पर मार्क बेस्ड भी कर सकते हैं या CGPA में आप कैसे करेंगे, CGPA को टच करोगे तो यहाँ पर आ जाता है परसेंटेज में। ये देखिए CGPA, तो CGPA एक्चुअल में होता क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है जिसको 9.5% से डिटेल करते हैं। एक्चुअल में ये CBSE से जो आते CBSE NCERT वाले जो रहते हैं ना, उनका CGPA में रहता है। मार्क्स बेस्ड आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो नॉर्मल यहाँ पर CGBSE वाले हैं, आपका अपना टोटल मार्क्स डालें कितना आपने पाया है और उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो जो विषय आपने पढ़ा है वो बताना है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी, क्या आपके पास 10वीं कक्षा में विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित था, हाँ कर दीजिए। डिड यू हैव हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 10, ओके ये भी कर दीजिए। इंग्लिश भी था, हाँ था। आर यू रेफ्यूजी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश शरणार्थी हैं तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें। इसके बाद आपका पर्सनल पूछता है, जैसे भूमेंद्र कुमार देवांगन कर देते हैं, माता का नाम, पिता का नाम डाल दीजिए, आपका यहाँ पर जेंडर डाल दीजिए, कैटेगरी डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल क्लास, क्लास में यहाँ पर ये है कि जैसे कि आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, एक्स सर्विस मैन है, फ्रीडम फाइटर है या ऑर्फन है, ये सब चीज़ों के लिए। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक प्रमाण पत्र ना हो तब तक आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वहाँ आपका एडमिशन के टाइम मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर, जैसे यहाँ पर मैं डालूँ 01/01/2000 ऐसा, ठीक है। इसके बाद है आपका ईमेल ID जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद आपका एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पर अपना स्टेट चुन लीजिए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप कौन से ज़िले से हैं, पिन कोड डाल लीजिए। अन्य जानकारी में आप यहाँ पर दे सकते हैं स्थाई ज़िला, चाहे तो सेम भी हो सकता है। धर्म आपका क्या है, आप कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे कि शहरी या ग्रामीण। इसके बाद यदि आपने पहले ITI उत्तीर्ण किया है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसका व्यवसाय का नाम, यानी कि ट्रेड, जैसे फीटर में किया था पहले, अब सिविल में करना चाह रहे हैं ऐसा, ठीक है। और अगर आप ये डालेंगे तो आपको ये भी डालना पड़ेगा कि कौन से साल में आप पास किए हैं, कौन से ITI से किए हुए हैं। इसके बाद आपका फ़ोटो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। JPG ये सब फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। अच्छा, तो एक ही फ़ोटो है आपका, फ़ोटो के नीचे में साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये एक ही अपलोड होगा। आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपना फ़ोटो चिपकाइए, साइन कीजिए और इसको स्कैन करके 50 KB तक का बनाइए और इस चूज फाइल में जाकर आपको चूज़ कर लेना है और उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद भुगतान का विवरण सब जब डिटेल डाल दे रहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पैसा दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद पेमेंट गेटवे कोई भी एक जो कर सकते हैं, CSC वही करेगा, जो कि जैसे कि चॉइस सेंटर होता है ना वो वाला। पेमेंट टू गेटवे में आप यहाँ पर डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सब GST सब ये करेगा, ठीक है। और पेमेंट गेटवे फर्स्ट में भी सेम है, तो आप ये दोनों में से कर सकते हैं जब खुद से करेंगे तो, और अगर CSC करता है तो यहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे से करेंगे तो कैप्चा जो दिया है जो करते हो यहाँ भरेंगे और उसके बाद सेव को क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने अपना फॉर्म जो है यहाँ पर भर लिया है और आप देख सकते हैं 59 रुपये दिखा रहा है यहाँ पर,
पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे मैंने टच किया है। अब इसमें सेव बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर स्टोर करना चाहता है डेटा आपका, बोल रहा है ओके कर दिया। ओके करने के बाद आगे आप बढ़ते हैं, इसमें जैसे ही ओपन होगा इसके बाद पेमेंट सेक्शन पर भेज दे रहा है, ठीक है। ये आ गया पेमेंट सेक्शन पर, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट कर लीजिए, पेमेंट करने के बाद फिर आप वापस वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम अभी थे, ठीक है। वापस जैसे पहुँचेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर ITI के विकल्प का। तो दोस्तों यहाँ तक पेमेंट तक कर लीजिए और उसके बाद फिर ऑप्शन ITI का आएगा, फिर आपको कॉलेज का डिटेल भरना है जहाँ जहाँ आप जिस ITI में फॉर्म भरना चाहते हैं और उसका कोर्स में, ठीक है। एक व्यक्ति टोटल 10 कोर्स में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए ऐसा था, इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैंने दे दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर से जैसे फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आप वापस से फिर लॉगिन कर सकते हैं एक बार आपका लॉग आउट होने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षांश कोचिंग क्लासेस।